वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो द पंजाब लाइव। जदों गुरु नानक देव जी अयोध्या तो चल के रस्ते विच पहाड़ी लोगों के प्रचार करने बनारस पहुँचे तो उत्थे लोगों ने उन्होंने विचार सुन के बड़ा ज़्यादा इकट्ठ होया। उत्थे लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिते ते अनेकां ने अपने प्रश्न पूछे। जदों लोगों ने देखा कि यह प्रश्न के उत्तर बड़े गंभीर ढंग नाल दिंदे हन तां उह एक विद्वान पंडित चतरदास नूं सद लैंदे। गुरु जी ने उहदे नाल चर्चा छेड़ लैंदे हन। पंडित चतरदास ने कहा, महाराज असी भावें रोज़ ही वेद शस्त्र पढ़ते सुनते हाँ पर साढ़े मन का हंकार नहीं मिटदा ते मन नूं शांति नहीं हुंदी, इसका की कारण है? गुरु जी ने कहा, जेकर मन अंदर सदा ही बुराइयां दा चितवन हुंदा है तां फिर एवें वेद शास्त्रां दा उपदेश दा कोई असर नहीं होएगा तुहाडे ते। पहला अपने मन तो झूठ, निंदिया, लोभ, लालच एवें दीआं बीमारियां नूं दूर करो, फिर वेद शास्त्रां नूं पढ़ो, उन्हां नूं सुनो, उसके ज्ञान उपदेश नूं धारण करोगे तां तुहाडे मन नूं शांति मिलेगी। फिर पंडित ने कहा, महाराज परमेश्वर दे इक किस नाम दा जाप करन नाल मुक्ति मिलेगी? गुरु जी ने कहा, जिवें सारियां बेड़ियां ही नदी तो पार करन वालियां हुंदियां ने, जिस उत्ते कोई भी चढ़ जावे उसनूं ओह बेड़ी नदी तो पार उतार दिंदी है, इसे तरह ही गुरु रूपी मला जिस नाम रूपी बेड़ी उत्ते चढ़ावे उस उत्ते चढ़ के पार उतारा हो जांदा है। पंडित ने कहा, महाराज सानू किस नाम का सिमरन करना चाहिए? गुरु जी ने कहा, तुसी सतनाम का सिमरन करया करो, तुहाडा पार उतारा हो जाएगा। इस तरह ज्ञान तो उपदेश की चर्चा करके गुरु जी उतों अगे वध गए।